रतिया में डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों में गेहूं के कट्टों के वजन को लेकर भारी रोष है। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि हैफेड द्वारा उन्हें डिपो पर देने के लिए जो गेहूं के कट्टे दिए जाते हैं उनका वजन 52 किलो के हिसाब से दिया जाता है, जबकि अनाज मंडी में इनकी भर्ती 50 किलो की होती है। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि गेहूं वितरित करते समय हर कट्टे में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने जिला फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त को एक शिकायत पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। इस दौरान डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडी में अब गेहूं तोड़ रही है, 50 किलो तोड़ रहे हैं और यहाँ 52 किलो 200 ग्राम की एवरेज उतर रही है। जो हम कार्ड धारकों को देते हैं, किसी को 15 किलो, किसी को 20 किलो, किसी को 25 किलो, हमारे 2 क्विंटल कभी 3 क्विंटल कभी 1.5 क्विंटल घट जाती है। हम कहाँ से पूरी करें? क्या कहते हैं ये अधिकारी? अधिकारी कहते हैं जी तो गेन आ रहा है जी, इसमें तो इतना तो आएगा, हम तो ऐसे ही देंगे। मामला ये है जी, 50 किलो भर्ती होंगी है जी, सानू 52 किलो दे रहे हैं। अगे जाके साड़ी कणक हर महीने घटती है, किसी क्विंटल घट गई, किसी 2 क्विंटल घट गई। बाकी बारदाना जी 18-19 का सीगा, हूँ 17-18 दे रहे जी। की कह के रहे ने? कह रहे जी ऐसे ही मिलेगा। फिर इस लेके कोई उच्च अधिकारियों ने कोई शिकायत की थी? तुम डीसी ने? अभी पहला दिन ही है, अभी पहले दिन हम इकट्ठे हुए हैं जी, उसके बाद शिकायत करेंगे, ऊपर तक भी जाएंगे जी। गणी बैग लिखा हुआ है यारों पर, जो कि झूठ वाला होता है। ये प्लास्टिक का दे रहे हैं जी, पुराना 52 किलो की एवरेज दे रहे हैं। वहीं इस बारे में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने डिपो होल्डर द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सप्लाई वजन नियम अनुसार ही दी जा रही है। नहीं, जो स्टॉक लगा हुआ है वजन, जो स्टॉक लगा हुआ गोडाउन के अंदर, वो स्टॉक जो वजन आ रहे हैं उसके हिसाब से दिया जा रहा है। बिल्कुल एक्चुअल स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्लास बारदाने का आरओ है हमारा एफसी का, और बी क्लास बारदाने में ये 50 किलो की भर्ती 52 किलो की, ये क्या मार रहे हैं? लॉन्ग स्टोरेज होगी, 3 साल होगी इसकी स्टोरेज को। 2018 का स्टॉक है वो, इसमें ऑटोमेटिक रबी ग्रोप है, ये गेन करती है, वो गेन है इसमें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि डिपो होल्डरों की इस शिकायत पर प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।